मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक छोटी सी ट्रिक। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियों का सीजन जो है ऑलमोस्ट चला ही गया है, और अब हम क्या कर रहे हैं, अपने रजाई कंबल को धोकर क्या है, उनको संभाल रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ वो आपके बहुत ही यूज में आने वाली है, क्योंकि जब हम रजाई या कंबल को फोल्ड करके रखते हैं और कभी भी सामान निकालना होता है अलमारी के अंदर से, तो अगर वो गिर जाते हैं तो उनकी तय क्या होती है, खुल जाती है। तो आज की ट्रिक में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने कंबल को किस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से अलमारी के अंदर रख सकते हैं कि अगर वो कल को गिर भी जाए तो उनकी तय बिल्कुल ना खुले और वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे और कम से कम जगह में आपकी अलमारी में वो जगह ले। तो फ्रेंड, जैसे कि ये मेरा कंबल है और इसको कैसे मैंने धोया था इसकी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो आप जाके वहाँ फटाफट से देख सकते हैं। तो अब ये कंबल मेरा जब सूख गया ना, तो इसको मेरे को अब संभालना था, तो मैंने क्या करा कि इसको अच्छे से तय करके रख दिया है और इस तरीके से तय करा है कि ये बिल्कुल भी नहीं खुलता। तो कैसे मैंने तय करी है इसकी और किस तरीके से मैं इसको अलमारी के अंदर संभाल के रखूंगी, तो ये मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से, इस ट्रिक से कंबल को फोल्ड करके रख सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही आपके यूज में आने वाली है, क्योंकि फोल्ड करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कई बार हम ना सिंपली ऐसे तय कर लेते हैं जिससे वो बार बार क्या है, खुल जाती है। और इस वीडियो में आपके साथ मैं अपनी जो ट्रिक, मैं जिस ट्रिक से कंबल को तय करके उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी ना, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि और भी यूजफुल जो वीडियोस होंगी वो आपके साथ बनी रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, कंबल को अच्छे से फोल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंबल को चारों तरफ से अच्छी तरीके से फैला लीजिए और एकदम इक्वली आपको फैलाना है, ताकि कहीं से भी ये आड़ा टेढ़ा ना हो, क्योंकि अगर कहीं से भी आड़ा टेढ़ा होगा ना तो कंबल अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मेरा कंबल है जो डबल बेड के साइड से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने क्या करा, एक साइड ज़्यादा ले लिया है और इस साइड के कॉर्नर से इसको इस तरीके से अंदर को फोल्ड करना है। और चाहे आप मेज़र भी कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने जब मेज़र किया तो मेरा 3.5 इंच जो हुआ था फोल्ड हुआ था। तो इस तरीके से आप भी 3.5 इंच या 3 इंच के आसपास रख के कंबल को एक कॉर्नर से अंदर के साइड फोल्ड करके रख दीजिए, और सेम एज इट इज़ प्रोसेस दूसरे साइड से भी करना है। वहाँ से भी मैंने 3.5 इंच के आसपास ही रख दिया था और इसको अच्छे से सेट कर देना है। और ये गाइस फोल्ड ना ऊपर को नहीं करना है, एक कॉर्नर से लेके अंदर की साइड को फोल्ड करना है, यानी कि जो फोल्ड करने का जब वो है ना, तो वो जो बेड का सिराना है तो उसका मुंह उस साइड को जाएगा जब हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड, ये ना बहुत ही इजी तरीका है कंबल को फोल्ड करके रखने का, और इस तरीके से जब हम कंबल को फोल्ड करके रखते हैं तो इसकी बिल्कुल भी तय नहीं खुलती है। तो फ्रेंड, आप इस साइड से भी इस तरीके से बराबर 3.5 इंच का लेके फोल्ड कर दीजिए। और जैसे मैंने इस साइड से फोल्ड करा है, वैसे ही सेम जो है सामने वाली साइड से भी फोल्ड करके रखना है। और साथ ही साथ कंबल की जब आप बिछाते हो, अगर वो इधर से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप हाथों से हल्की प्रेस करके उसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने एक साइड से तो फोल्ड कर दिया है, अब दूसरे साइड से भी सेम फोल्ड करना है ताकि वो उसके इक्वल में आ जाए। तो जब हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये इसके बराबर में आ जाता है, और बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सेम बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ बाकी जो टेढ़ा हो जाता है चद्दर कंबल, उसको भी अच्छे से सेट कर लीजिए। तो हमारी जब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो ये जो दोनों हमने करे हैं, या तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट को राइट के ऊपर रख दीजिए या राइट को लेफ्ट के ऊपर रख दीजिए। तो मैंने राइट साइड के कंबल को उठा के लेफ्ट के ऊपर रख दिया है। तो इस तरीके से आप भी जो है कंबल को इसके ऊपर रख दीजिए, एक साइड को उठा के उस साइड को। तो अब क्या करना है, हमने ना जो सामने का साइड है, पोर्शन है, उसको ना दो फोल्ड करनी है, यानी कि एक इस तरीके से और दोबारा से एक फोल्ड और करनी है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको भी 3.5 इंच ही मेज़र करें,
ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। आपको इस तरीके से फोल्ड करना है कि इसकी दो फोल्ड बन जाए। तो यहाँ मेरी दो फोल्ड बन गई है और ये दोनों फोल्ड को उठा के मैंने इसके ऊपर रख देना है। तो फ्रेंड जब आप इस तरीके से करते हैं और अगर आपका मोटा कंबल है तो उसको आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए। तो इस तरीके से करके ना हमारा ये जिप जेब बन जाती है कंबल की, और ये जो सारी जो लेयर्स है ना जो आपको दिख रही है वो सारी लेयर्स हमें उस जेब के अंदर डालनी है। और ये जेब बनना ही बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के अंदर हमारी कंबल जो है जाता है पूरा, और बहुत ही टाइटली इसकी फोल्ड हो जाती है और एक बिल्कुल भी खुलता नहीं है। तो इस तरीके से दोनों साइड से मैं कंबल की जो जेब है उसको इस तरीके से कर रही हूँ, और जितनी लेयर्स हैं उसको फोर्स करके जो है अंदर को डालना है क्योंकि ये मोटा कंबल है तो काफ़ी प्रेस करके इसको डालना होता है। तो फ्रेंड अगर आपने भी अभी तक अपने कंबल को नहीं संभाला है तो एक बार मेरी इस ट्रिक को फॉलो करके प्लीज़ आप अपने कंबल की तय कीजिए और देखना आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आएगी। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेरे कितने अच्छे से कंबल जो है फोल्ड हो गया है और ये बिल्कुल टाइट फोल्ड हो रहा है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं भी इसको गिरा दो, ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला। और ये ना काफ़ी छोटा सा इसका पैक हो जाता है और ये अलमारी में किसी भी कोने में हम इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये तय हो गया है हमारा कंबल, और चाहे इसको इधर पटको या उधर पटको ये बिल्कुल भी इसकी तय बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मेरे कंबल की फोल्ड हो गई है। तो फ्रेंड ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो